हेलो माय डियर स्टूडेंट यदि आप लोग भी क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट है तो आज जो है मैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट वन कराने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को एग्जाम के व्यू से इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आंसर है यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री का जो है मॉडल सेट वन है ट्वेल्थ केमिस्ट्री का है कौन सा ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लिए है तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ और एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का लहर होगा ये मेरा गारंटी है ठीक है ना एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोगों का जो है लहर होगा तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है सभी को एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है घोलक के एक केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को कहते हैं देखिए एक के जी अगर आप लोगों को कहेगा तो हम लोग मोललता मारेंगे क्या मारेंगे मोललता एक के जी कहेगा तो मोललता वहीं एक लीटर अगर कह देगा तो एक लीटर कहेगा तो हम लोग मारेंगे मोलरता क्या मारेंगे मोलरता मारेंगे याद रखेंगे दोनों में अंतर है कि एक के जी कहेगा तो आपको क्या मारना है तो आप लोगों को पता है कि मोललता मारना है जैसे ही कहेगा एक लीटर तो आप लोगों को मोलरता मारना है मारना है ठीक है ना तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में हो जाएगा मुललता अब आगे रहा कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रम से होता है तो देखिए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं तो देखिए एनोड होता है एक एक एनोड होता है ठीक है ना तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एक कैथोड 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 होता है गैथोर। गैथोर। पर आप लोगों को होता है रिडक्शन यानी कि अपकरण तो यहाँ पर देखिए एनोड पर ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तो हो जाएगा एनोड पर तो एनोड पर और अपचयन हो जाता है कैथोड पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा पहले ऑक्सीकरण कहा पहले ऑक्सीकरण तो एनोड पर और बाद में अपचयन तो कैथोड पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा अब आए क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तो मेरे डियरेशन क्रिस्टल जो होता है चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का चार प्रकार का एक होता है आयनिक क्रिस्टल एक होता है ससंयोजक क्रिस्टल एक होता है आणविक क्रिस्टल और एक होता है धात्विक क्रिस्टल ठीक है क्या होता है धात्विक क्रिस्टल आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है अगला क्वेश्चन ये चार प्रकार का होता है नेक्स्ट क्या करा है कॉपर के निष्कर्षण में प्रगलन कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मल का रासायनिक संगठन क्या है तो वो रासायनिक संगठन आप लोग को मेरे प्यारे एसेंट हो जाएगा आप लोग को कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मल का सूत्र क्या होता है तो कॉपर के निष्कर्षण में आप लोग को हो जाएगा मेरे डियरेश प्लस एफी ओ ऑ ऑप्शन चला जाएगा डी आगे क्या करा निम्नलिखित तो में किसका बंधन कौन सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक बंधन कौन मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें से हो जाएगा आप लोग को बॉयफ्रेंड का किसका हो जाएगा बॉयफ्रेंड का आगे कह रहा है कि हीलियम का सूत्र है कौन सा है तो हीलियम का सूत्र होता है एच ई ठीक है ना हीलियम का सूत्र क्या होता है एच ई अब आगे क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे एसेंट यहाँ पर ध्यान देंगे ध्यान देते चलेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पी ब्लॉक पी ब्लॉक के अधिक अधिकतम तत्व क्या है अधातु है तो क्या हो जाएगा अधातु संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेंगे एस पी को हम लोग कहते हैं सामान्य तत्व कौन सा तत्व सामान्य तत्व और डी ब्लॉक को हम लोग कहते हैं संक्रमण कौन सा तत्व कहते हैं संक्रमण और एक ब्लॉक को हम लोग कहते हैं अंत संक्रमण कौन सा कहते हैं अंत संक्रमण याद रखेंगे अंत संक्रमण याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट ठीक है ना तो यहाँ पर डी संक्रमण तत्व हम लोग डी ब्लॉक लो को कहेंगे कह रहा है सी एस थ्री सी डबल एच काम क्या है तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा क्या हो जाएगा इथेनोइक अम्ल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है एसिटिक एसिड एसीट हो जाता है ठीक है एसिटिक एसिड आगे देखिए मेरे डियर एसेंट क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन पेट में पेट में अत्यधिक अम्ल का बनने से रोका जा सकता है तो पड़ते अम्ल से क्या चीज है परते अम्ल से ठीक है ना परते अम्ल से या एंटासीड इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं एंटा सीड एंटा सीड या पड़ते अम्ल कहते हैं यानी कि अम्ल के विपरीत उसी से रोका जा सकता है चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं मेरे डियडेसेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे डियर स्टूडेंट क्या दिख रहा है पड़ती अम्ल ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है तो बिलियन के लिए चार अनुसंख्य गुण धर्म होते हैं एक होते हैं वास्पदाब एक होते हैं वास्पदाब एक होते हैं हिमांग और एक होते हैं क्वनांग एक होते हैं क्वनांग और एक होते हैं पराशरण पराशरण या परासरण दाप यही सभी चीजें जो है आप लोगों को चार चीजें एक दो तीन चार ये चार में से, है? तो से कौन है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियन का अनुसंख्य गुण आगे कह रहा है कि निम्न से विलियन का अनुसंख्य गुणधर्म फिर कौन है अनुसंख्य गुणधर्म तो देखिए उसमें से कौन मिल रहा है तो परासन दाब मिल रहा है मिल रहा है ना तो परासरण दाब हो जाएगा ठीक है परासरण दाब हो जाएगा ठीक है मेरे प्यारे शेष बात तो आप लोग समझ रहे होंगे फिर कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है किसमें होता है तो टिंडल प्रभाव घोल द्वारा कोलवाइडी घोल द्वारा किसके द्वारा कोलवाइडी घोल द्वारा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे कह रहा है कि निम्न में से कौन द्वितीयक द्वितीय सेल है तो लेड स्टोरेज सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है आगे कराए की विधि के द्वारा निम्न लिखित में धातु का शोधन होता है तो हुप विधि से आप लोगों को कौन सा धातु का होता है तो हुप विधि से हुईमुनियम का होता है किसका होता है एलुमुनियम का होता है कि कॉपर का ऐसे होगा, का होगा। में होगा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा निम्नलिखित में कौन कोलवाइडल घोल नहीं है तो कोलोइडल घोल जो है जल नहीं है क्योंकि जल हमेशा अकेला होता है घोल के मतलब होता है दो चीजों का मिलन यहाँ पर कितना है तो जल अकेला है तो कोई घोल नहीं है घोले है नहीं है आगे क्या कर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं ध्यान देंगे मेरे प्यारे से अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गेंग कहते हैं ठीक है ना तो वैसा पदार्थ जिसे धातु का निष्कासन आसानी से होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं आगे देखिए निम्न में से किसमें तिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है तो टिंडल तो प्रभाव निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है तो वो चीनी के घोल में क्योंकि वास्तविक विलियन होता है और वास्तविक विलियन में नहीं होता है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग अयस कहते हैं क्या कहते हैं अयस कहते हैं और मेरे प्यारे एसेंट आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे हंड्रेड परसेंट एकदम एग्जाम एक में आने वाला ये सभी क्वेश्चन है आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशेंट यहाँ पर ध्यान देंगे निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु आयन ठीक है ना अनुचुंबकीय है अनुचुंबकीय नहीं है यहाँ पर होगा नहीं है अनुचुंबकीय देखिए ये भी अनुचुंबकीय ये भी अनुचुंबकीय ये भी अनुचुंबकीय लेकिन अनुचुंबकीय नहीं है याद रखेंगे ये अनुचुंबकीय नहीं तो क्या है प्रति चुंबकीय क्या है प्रति चुंबकीय है ठीक है और प्रति चुंबकीय में कॉपर पर एक प्लस स्कैंडियम पर एक प्लस फिर ध्यान दीजिएगा जिंक पर एक प्लस और जिंक पर दो प्लस ये सभी के सभी प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय नहीं इसमें से जो मिल जाएगा ऑप्शन में उसमें से कोई आप लोग को प्रति चुंबकीय होगा ठीक है ना कर निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिटिक एसिड क्या पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है ना तो एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है सी एस थ्री सी डबल ओ एच होता है जिसको हम लोग इथेनोइक अम्ल कहते हैं तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर यहां पर ध्यान देंगे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है एक सेकेंड लगता है क्वेश्चन इधर उधर हो गया क्या एक नंबर आ गया अच्छा अच्छा यहां पर हम लोग पहले ऊपर चलेंगे हाँ यहां आ गया बाईस नंबर में बाईस नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर ध्यान देंगे बाईस नंबर में कर रहा है कि पोटेशियम हेक्सा साइनो है ना? में एपी का प्रसंकरण क्या होता है तो इसका होता है एसपी थ्री डी टू तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं नहीं एस पी थ्री डी टू एसपी थ्री होगा डी टू एस पी थ्री होगा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर ठीक है आगे क्या करें गिरिगनाड अभिकर्मक तैयार करने में घोल प्रयुक्त होता है कौन सा तो गिरिग ना अभिकर्मक को तैयार करने में कौन सा घोल होता है टोलिन तो नहीं होता ईथर होता है कौन सा होता है ईथर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा आगे है कि सांद्र से निर्जलीकरण में निम्नलिखित में अल्कोहल में कौन टू ब्यूटीन तो ब्यूटीन कौन सा देगा तो ब्यूटेन टू ओल देगा यानी कि एक दो तीन चार है ना यहाँ से वो एच निकाल दीजिए एक दो तीन चार दू ठीक है एकदम राइट आंसर ब्यूटेन टू ओल्ड यानी कि चार कार्बन का ब्यूटेन आ कितना पर है तो दो पर तो दो ओल ऑप्शन नंबर आप लोग सी चला जाएगा पच्चीस में क्या रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण देता है क्या देता है तो कैल्शियम फॉर्मेट है ना तो कैल्शियम एच सी डबल ओ है ना इसका फॉर्मेट जो है क्या देता है सुक्ष श्रवण शुष्क श्रवण द्वारा क्या देता है मतलब हीट करेंगे तो क्या देतेगा तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब शुष्क श्रवण कराएंगे तो वह हम लोग क्या दे देगा तो वो हम लोगों को देगा फॉर्मेलहाइट क्या दे देगा फॉर्मेलहाइट दे देगा आगे क्या रहा है मेरे डियर पर ध्यान देंगे आइसोटोनिक क्या कर रहा है आइसोटोनिक विलियन वे है जिनके बराबर होते हैं तो इसमें परिसारक दाब बराबर होते हैं आगे क्या रहा है आइडोफॉर्म सी थी एच आई थ्री को आइडोफॉर्म कहते हैं में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है तो आयोडोफार्म है कि आयोडीन मुक्त होकर निकलना no तो आयोडीन मुक्त होकर निकलना no आयोडीन मुक्त होकर निकलना no ठीक है निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है तो देखिए प्रथम संक्रमण तत्व होता है स्कैंडियम इक्कीस से लेकर के जिंक तीस तक होता है प्रथम संक्रमण श्रेणी के यानी कि परमाणु संख्या इसका छब्बीस है तो ये होगा क्रोमियम का चौबीस हो गया तो ये भी होगा इक्कीस से चौबीस के बीच में निकेल का अठाईस है और इसका मैग्नेशियम का बारह है यानी कि ऑप्शन नंबर सिना योग ठीक है ना सीनागा इक्कीस से तीस तक जो भी होगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व होगा याद रखेंगे ग्लूकोज है तो देखिए ग्लूकोज में कार्बन सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स होता है तो कार्बन तो छ है तो छ को हम लोग कहते हैं हेक्स क्या कहते हैं हेक्स तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन से ट्राइज तो नहीं पेट्रीज तो नहीं पेंटोज तो नहीं हेक्सोज हो, हो, हेक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा हेक्सोज हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्लूकोज क्या हो जाएगा हेक्सोज हो जाएगा आगे क्या कर रहा है मेरे डियर से पैरासीटामोल क्या चीज में काम होता है पैरासिटामोल है पीराहारी प्रतिजैविक कि ए बी दोनों की इनमें से कोई नहीं तो देखिए पीराहारी पीराहारी पैरासिटामोल तो पीराहारी है ये है पीराहारी ही होगा क्योंकि इससे बुखार भी और ए, शरीर के दर्द भी दूर होता है और यहाँ पर कहता है कि एल्कीन साइनाइड साइनाइडो के पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है तो वो एसिड बनता है ठीक है ना देखिए जैसे एल्कीन साइनाइड है सी हो गया है इसका पूर्ण पूर्ण जल अपघटन कराएंगे ना ये बना देगा आप लोगों कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यानी कि एसिड बना देगा क्या बना देगा एसिड आगे करे की वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल में अंतर या जांच ज्ञात करते हैं देखिए पांच नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछता है ये आप लोग याद कर लेंगे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल के जांच या परीक्षण तो ये ऑक्सीकरण विधि से भी होता है लुकास से भी होता है विक्टर मेयर भी होता है और एक डीहाइड्रोजनीकरण भी होता है चार चार होता है लेकिन ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा सभी आगे क्या करा है निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है तो सबसे कम वाष्पशील कौन है तो आप लोगों को हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार H2O ही होगा ठीक है ना H2O आगे क्या करे मोहर लवन का सूत्र है कौन सा है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग पूरा मोहर लवन का सूत्र कौन सा है तो मोहर लवन का सूत्र हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर के अनुसार ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा करेक्ट ठीक है ना आगे क्या है मेरे डेन निम्न में से दुर्ल दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण कौन है तो क्लोरीन एक प्रकार का दुर्बलतम लिगेंड होता है ठीक है ना आगे क्या करें एसिड क्लोराइड से कीटोन बनने बनाने के लिए प्रयुक्त तो अभिकर्मक कौन है तो एसिड क्लोराइड से है ना तो एसिड क्लोराइड हो गया आर बॉन्ड सीओ सी एल ये हो गया एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए तो कीटोन हम लोग को बनाना होगा तो आर बॉन्ड सीओ बॉन्ड आर ये कीटोन हो गया है ना ये कीटोन हो गया समझ रहे हैं उधर नहीं दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो इधर हम लिख देते हैं इधर कम दिख रहा है तो आर बॉन्ड सीओ बॉन्ड आर ये कीटोन बन जाएगा तो कह रहा है कि जे प्रयुक्त तो अभिकर्मक क्या हो जाएगा किससे अभिक्रिया कराएंगे तो ग्रिगनार अभिकर्मक से कि लिथियम हाइड्राइड से कि डाई मिथाइल कैडमियम से कि बेनिडिक्ट बिलियन से तो यहाँ पर हम लोग को डाई मिथाइल कैडमियम से कराएंगे तो बनेगा या यहां पर तो हम लोगों को क्लोराइड हटाना है तो डाईमिथाइलियम ये से होगा ठीक है ना कैडमियम आगे क्या कर रहा है मेरे डियर डर अगला क्वेश्चन एनिलीन एवं एसिटल एसिटल एल प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है एक्सकिप्स बेस बनाता है क्या बनाता है एस्किप्स बेस बनाता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है नींबू और संतरा होगा नींबू और संतरा हो जाएगा ठीक है देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम हॉल के शहरों में 2025 में अगर आप लोग बेहतर से बेहतर करना तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ या कभी भी बेहतर करना चाहते दो तो पच्चीस कभी भी एग्जाम दीजिए तो ये सभी क्वेश्चन रहते हैं अगर आप लोग चाहते हैं हर सब्जेक्ट में आप लोग को साइंस में खासकर अगर आप लोग चाहते हैं अगर आप लोग अस्सी से लेकर के नब्बे तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि 400 से साढ़े चार नंबर झुकेगा नहीं अभी जो मैं नोट्स तैयार कर दिया हूं सो उस नोट से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग गारंटी है इतना नंबर आएगा ही आएगा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लेंगे बिरासी उन्तीस ठीक है ना चौरासी तैतीस बावन और इसी नंबर से कॉन्टेक्ट कर लेंगे ये तो लास्ट में दिख रहा है हाँ बिरासी उन्तीस चौरासी तैंतीस बावन है लास्ट में टू है तो इस नंबर से अभी नौ सौ निन्यानवे था ऑफर में इसको हटा करके हम लोग पूर्ण ऑफर निकाला हूँ चार सौ निन्यानवे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा केवल ओनली फॉर गेसिंग 120 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मिलेगा आप लोगों को सब्जेक्टिव और 400 मिलेगा ऑब्जेक्टिव उसको अभी से धुआं छोड़ा करके पढ़िए एग्जाम हॉल के शहरों में एक भी क्वेश्चन नहीं गड़बड़ाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं मिथाइल मिथाइलेमिन को बनाया जा सकता है तो हफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से कौन हफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से मिथाइल मिथाइलेमिन को बनाया जा सकता है आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना होगा देखिए यहाँ पर क्या करा अगला क्वेश्चन सो ध्यान दीजिएगा। लैला मजनूत है निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक है? तो संघनन बहुलक है तो नाइलॉन सिक्स सिक्स हो जाएगा संघनन बहुलक संघनन बहुलक तो नाइलॉन सिक्स सिक्स देख हो जाएगा ये भी हो जाएगा कि संघनन बहुलक अच्छा संघनन बहुलक नहीं है कहता है ये सब संघनन हो जाएगा संघनन बहुलक नहीं है तो ये है सम बहुलक पोली एथीन जिसको हम लोग कहते हैं टेफलॉन क्या कहते हैं टेफलॉन कहते हैं क्या कहते हैं टेफलॉन कहते हैं ठीक है ना टेफलॉन अब कहें गिलिस्ट्रोल है तो ट्राईहाइड्रिकअ अल्कोहल होता है अल्कोहल इसका सूत्र पूछ देता है सी थ्री एच एट ओ थ्री इसका याद रखेंगे ठीक है ना आगे करा है निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर या जांच किया जाता है तो वो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानवे करते होंगे एच सी डबलो एच फॉर्मेल मतलब एच सी एच ओ सी एच ओ मतलब फॉर्मिल H एच लग गया तो सी डबल एच ओ तो कार्बोक्सिलिक H का एच लग गया तो फॉर्मिक एसिड याद रखेंगे दोनों में जांच कौन देता है तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका सूत्र होता है एने एच सी ओ याद है ये इसको खाने वाला सोडा कहते हैं ठीक है और मेरे प्यारे सेंट आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ यदि आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं पेड कोर्स वाला तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया कॉन्टेक्ट जरूर कॉन्टेक्ट करें साथ ही साथ आप लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन कीजिए चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को और बात और कुछ बात बताता हूँ फ्री कंटेंट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को आ जाना है गूगल या क्रोम पर कहा पर आ जाना है गूगल या क्रोम पर और यहाँ पर सर्च कर देना है क्या सर्च करना है यहाँ पर देखेंगे आप लोग एस टी यू स्टडी सिलेबस सर्च कर दीजिए ना क्या सर्च कर दीजिए स्टडी सिलेबस ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का सर्च करेंगे तो इसपे क्लिक कर देना है इसपे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आई एस सी वाला में आइएगा क्लिक कीजिएगा चैप्टर बाई चैप्टर सभी विषयों का वीवीआई इम्पोर्टेंट जो हंड्रेड परसेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव है केवल इसमें सभी चीज मिल जाएगा तो चलिए मेरे प्यारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और आप लोगों को अगर पेड कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है जरूर कॉन्टैक्ट करें तो चलिए इतना बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतना ही पर जय हिंद जय भारत